माझी नगर पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। भोजपुरी के एक से बढ़कर एक सुपरस्टार माझी नगर पंचायत के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में यहां का मुख्य पार्षद यानी चेयरमैन का चुनाव हॉट सीट बन गया है। बिट्टू राय की मां विजया देवी माझी नगर पंचायत से मुख्य पार्षद यानी चेयरमैन के पद के लिए चुनाव मैदान में हैं। विजया देवी के नामांकन में भारी संख्या में उनके समर्थक उन्हें अपना समर्थन देने पहुंचे थे। हालांकि जनता किसको अपना मुख्य पार्षद, लेकिन जिस तरीके से भोजपुरी के सुपरस्टार्स ने किया है। माझी नगर पंचायत के भावी चेयरमैन प्रत्याशी विजया देवी बिट्टू राय के माताजी जो कि मेरे साले साहब ही हैं, तो बिट्टू राय उनको भारी मतों से विजयी बनाइए। महादेव, मैं हूँ आपके अपनी गायिका अनुपमा यादव और आज मैं आप सभी के सामने एक अपील करने आई हूँ कि माझी नगर पंचायत के भावी चेयरमैन प्रत्याशी विजया देवी जी बिट्टू राय जी के माता जी को भारी मत देकर इनको विजयी बनाइए और अपने उज्ज्वल भविष्य को संवारिए। जय माता दी, हर हर महादेव। हम आप सबके भाई प्रमोद प्रेमी और हमारे मित्र बिट्टू राय जी के माता जी विजया देवी जी जे माझी नगर पंचायत चेयरमैन के भावी प्रत्याशी बारी और आप सबसे निहोरा विनती है बा कि भारी मत से वहाँ के विजयी बनाई और बहुत सारा प्यार आशीर्वाद वहाँ के दी। प्रणाम, हम भोजपुरी गायक टुनटुन यादव और आप सबों से हाथ जोड़ के विनती है कि माझी नगर पंचायत के भावी चेयरमैन प्रत्याशी बिट्टू राय जी के माता विजया देवी जी के आप सब भारी से भारी मतों से विजयी बनाए, फुल सपोर्ट करिए। हम उनके साथ हैं, आप लोग भी उनके साथ रहिए। नमस्कार मित्रों, मैं गायक रत्नेश रतन बड़े ही आह्लादित मन से आप सबों से आग्रह करता हूं कि माझी से चेयरमैन प्रत्याशी श्रीमती विजया देवी जो कि मेरे परम मित्र बिट्टू जी की माता जी भी हैं और एक मिलनसार प्रत्याशी हैं, आप सबों से आग्रह है कि आप सभी इस बार अपने कीमती और बहुमूल्य वोटों से उन्हें विजयी बनाने का काम करें और उसे ही चुनें जो सिर्फ और सिर्फ आपकी सुने। धन्यवाद। सभी तमाम दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम और नमस्कार। आप लोग मेरे दरवाजे पे आए हैं तो विकास तो देख ही लिए होंगे कि क्या विकास हुआ है, और मुख्यमंत्री का जो भी योजना है गांव तक पहुंचाना, उसमें कोई प्रकार की यहां पर सुविधा नहीं पहुंची है। जल नल योजना जो अभी मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, हर घर में जल पहुँचाना, उसमें जो भी जनप्रतिनिधि दोनों पंचायत के जीते हुए थे, कहीं सभी वार्डों में 26 वार्ड थे, 13 वार्ड इसमें थे, 13 वार्ड उसमें थे, कमीशन के वजह से कहीं काम कंप्लीट नहीं हुआ। और वार्ड लोगों को, सचिव लोगों को बुला के चेक पे साइन करवा के पैसा ये लोग उठवाए हैं, और बाकी वो कम छोटे वर्ग के लोग हैं, इसीलिए वार्ड लोग, सचिव लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं इस चुनाव में। बाकी शुरू से जो करते हुए आए हैं लोग, दोनों पंचायत के जनप्रतिनिधि, वही आगे नियत रखते हैं करने के लिए, क्योंकि इन लोग के पास खाली पैसा उगा ही, ये समाज सेवा के लिए पद है और लोगों को जागरूक करना है। हम तो घूम घूम के यही जागरूक कर रहे हैं कि वोट का महत्व तो समझिए। आप किसी को वोट देते हैं तो उससे पूछिए कि आखिर मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, और मेरे मतलब नली, रोड, पानी, ये तो सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें हाँ इसमें भी कमीशन ये लोग ज़बरदस्त तरीका से गमन किया है। इसको मैं चुनाव अगर जनता मालिक है अगर जिता देती है तो 20 साल के कार्यकाल में जो भी दोनों पंचायत में जो भी काम हुआ है उसकी जाँच करवाएंगे, उसके लिए कमेटी बनाएंगे, और यहाँ से नीतीश कुमार के पास भी जाना पड़े तो हम जाएंगे। बिट्टू जी, ये जो सरकार का निर्णय है ग्राम पंचायत नगर पंचायत बनाना ग्राम पंचायतों को, उसके पीछे रीजन है कि इसको सौंदर्यीकरण किया जाए, खूबसूरत तरीके से सजाया जाए ताकि ग्राम पंचायत भी विकसित हो, तो क्या लग रहा है कि उन जनप्रतिनिधियों के हाथों में अगर चला गया माझी नगर पंचायत तो क्या विकसित बन पाएगा?
कभी नहीं विकसित बनेगा। जब 20 साल में विकसित नहीं हुआ तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब रोड सही नहीं हुआ और स्वच्छ पानी लोगों को नहीं मिला तब क्या विकसित का उम्मीद लगा सकते हैं। मूलभूत सुविधा जब नहीं मिली तो इसके आगे के बात क्या बतियाएंगे। जब मूलभूत सुविधा नहीं मिली है तो अभी तक तो माझी नगर पंचायत की जनता पहली बार नगर पंचायत के लिए वोट करने जाएगी और यहीं से माझी नगर पंचायत का भविष्य भी तय होगा कैसा माझी पंचायत बनेगा आने वाले समय में। तो क्या अपील कीजिएगा लोगों से? लोगों से मेरा यही अपील है कि अपने भविष्य को अपने हाथों से संवारिए और खुद आप विकास कर सकते हैं। अपना वोट देके सही व्यक्ति को चुनिए और अपना भविष्य अपने हाथ में रखिए, दूसरे हाथों में न जाने दीजिए। और लोग और आप लोग देखे हैं कार्यकाल सभी का क्या क्या किए हैं, ये तो किसी से छुपा नहीं है। तमाम माझी नगर पंचायत के ग्रामवासियों को हम आग्रह करते हैं कि हमको वोट दीजिए। आपके घर तक विकास नहीं किए तो फिर कभी हम आपके वोट मांगने के लिए नहीं आए। ये चीज़ है कि देखा जा रहा है कि जो यहाँ पे आपका समाज सेवा जो कार्य रहा है वो काफ़ी यहाँ पे असर डाल रहा है चुनाव पे, लोग उसको भी याद रख रहे हैं। तो क्या लगा जो भी आप मजदूरी किए हैं उसका फल मिलेगा? ये तो मेरा जब तक जिएंगे मेरा लक्ष्य है कि लोगों को सेवा करना और करेंगे। हम अपना अपने मेहनत पे से कमाते हैं उसको लोगों की सेवा में लगाते हैं। जो भी लोग भ्रष्टाचारी हैं या घोटालेबाज हैं उन लोगों को क्या कहना चाहिएगा? वो लोग के बारे में तो जनता जग गई है, अब भी भ्रमित कर रहा है लोग कि नहीं मौका दीजिए काम करेंगे। अभी तक तो नल जल योजना बहुत सारे वार्ड में कंप्लीट नहीं है, मैंने घूम घूम के सर्वे किया है और वो लोग का लूटपाट की योजना, ये नल जल योजना को लूटपाट योजना बनाए, उसमें केस हो रहा है। तो इन लोगों पर केस नहीं हो रहा है, केस तो ये तो पैसा उठा चुके हैं, केस हो रहा है सचिव पे वार्ड पे और ये लोग पैसा गमन कर चुके हैं। बाकी इसकी स्वतः 2600 वार्ड में जांच होगी और जांच के उपरांत जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर उचित कार्रवाई होगी। तो देखिए अभी मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं बिट्टू राय यहाँ पे और इनका साफ का नाम है कि भ्रष्टाचारियों पर और घोटालेबाजों पर कार्रवाई होगी अगर जनता हमको मौका देती है और सभापति यहाँ का चुनती है माझी नगर पंचायत का, तो इसको मॉडल नगर पंचायत बनाया जाएगा और जो भी यहाँ पे कार्य अधूरे हैं, जो पंचायत में कार्य नहीं हुए थे उसको हम पूरा करेंगे और जो भी भ्रष्टाचारी है उस पर लगाम भी लगेगा। तो एक बिट्टू जी, जितने से पहले साल लोग वादा करते हैं कि हम विकास करेंगे, आप पे जनता क्यों विश्वास करेगा आप विकास कीजिएगा? 5-6 साल से वो सेवा करते आए हैं, समाज में लोग बूझ रहा है कि ये सख्त ईमानदारी से हम लोग के साथ खड़े हैं, निस्वार्थ हैं, आज तक कुछ कहे नहीं और उन लोगों को विश्वास में है कि हम विकास करेंगे, ऐसा मेरा भी वादा है। और एक हम जो विकास करेंगे स्वतः जनता के हाथों से करवाएंगे, हम खुद नहीं करेंगे। चुनाव में हर एक प्रकार के प्रोपगंडे अपनाए जाएंगे तो क्या लगता है जनता उसके बहकाव में आएगी? कुछ लोग आ रहे हैं, फिर भी हम अपना कैंपेन जारी है मेरा लोगों को जागरूक करना। समाज के लोग जब जग जाएंगे ना तो शहर से गांव की तरफ हमको नहीं आना पड़ेगा, गांव का लोग खुद ही विकास कर लेगा। इस तरह से पंचायती चुनाव के नतीजे आए हुए थे कि 95% बदलाव हुए थे, तो क्या लगता है कि इस बार माझी नगर पंचायत का बदलाव होगा? मेरा एकदम आत्मा गवाही दे रहा है कि बदलाव होगा, निश्चित होगा और पुराने कोई भी जनप्रतिनिधि इस चुनाव में आने वाले नहीं है। जो भी आएगा, युवा आएगा, नया आएगा, जोश के साथ आएगा और काम करेगा और विकास की बात करेगा। आपकी लड़ाई किससे देखी जा रही है बेटी? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, जनता स्वयं तय कर लेगी कि कौन लड़ेगा मेरे से। अभी तक तो मेरे हमको कोई बता नहीं रहा है कि किससे लड़ाई है, बाकी स्वतः जब चुनाव होगी तो परिणाम आएगा, सबको पता चल जाएगा। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है तो क्या लग रहा है माझी नगर पंचायत की जनता अपने वोट की चोट से सिस्टम को वार करेगी और सिस्टम को सुरक्षित बनाएगी? यहाँ पे यहाँ का दर्द आप नहीं समझ सकते हैं, आपका घर कहीं होगा, अभी गांव में थोड़ा घूमिएगा जहाँ समझदार लोग होते हैं, जहाँ कमाने खाने वाले लोग होते हैं, वो बताएंगे कि यहाँ का दर्द क्या है, दर्द बयां करते हैं। हम लोग खुद जिस रास्ते से आए थे वो सारा रास्ता यहाँ पर जर्जर है, जल जमाव लगा हुआ है। आप वही रास्ता नहीं, 2 दिन बारिश हो जाए तो माझी का एक भी ऐसा रास्ता नहीं है, माझी पूर्वी पश्चिमी का, कि आप बाजार हाट जा सकते हैं और आपको पाखी ना लगे, कीचड़ ना लगे, कोई नल कोई भी नाला
सही ढंग से नहीं है। बिट्टू जी, बड़े बड़े जो स्टार हैं आपके प्रचार में लगे हुए हैं, आखिर इसका मायने क्या है, क्यों माना जाए? ये सब प्रेम स्नेह है, मेरे से लोग चाहते हैं, हमको प्रेम करते हैं, और कुछ लोग मेरे रिलेटिव भी हैं, कुछ लोग मेरे मित्र भी हैं। बिट्टू जी, अगर आपको चुनाव जनता यहाँ जिताती है तो पहला प्राथमिकता आपका क्या होगा? मेरा पहला प्राथमिकता होगा घूम घूम के गांव में ये पूछना कि मूलभूत सुविधा अभी अर्जेंट काम क्या है, जरूरी काम क्या है। हर वार्ड में पूछेंगे कि अभी तत्काल काम क्या करवा दे कि कुछ आप लोग को रिबेट मिल जाए, राहत मिल जाए। वही घूम घूम के हर वार्ड में यही काम करवाएंगे। माझी नगर पंचायत का जो सीट है काफ़ी चर्चाओं में भी बना हुआ है, खासकर आपको लेकर, तो क्या कहिएगा, इसमें प्रतिष्ठा बनी हुई है? हम सब कुछ अपना बिजनेस छोड़ के और माझी की तरफ प्रस्थान कर गए हैं, और माझी का विकास करके ही यहाँ से दम लेंगे हम। जनता से क्या अपील कीजिएगा? माझी नगर पंचायत के जनता से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग सबको मौका दिए, एक बार हमको मौका दीजिए, और किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देंगे, ये मेरा वादा है। और तमाम नगर पंचायत माझी की जनता को मेरे तरफ से प्रणाम।